हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेस्टी फूडी। आज हम बनाएंगे दलिया पुलाव, जिसे हम वेजिटेबल्स के साथ बनाएंगे। जब भी आपको नाश्ते में कुछ चाहिए हो, आप इसे बना सकते हैं और सेहत के लिए भी हेल्दी होता है। तो फिर बनाते हैं दलिया पुलाव। यदि हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दलिया पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पर रखेंगे कढ़ाई, और उसमें डालेंगे एक कप दलिया, और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम दलिया को लगातार चलाते हुए भूंज लेंगे, जिससे दलिया नीचे से लगे ना। देखिए, हमारा दलिया अब भूंज गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब हम फिर से गैस पर रखेंगे कुकर, और इसमें डालेंगे दो कप पानी, और आधे कप पानी हम इसमें और डालेंगे। हमने एक कप दलिया लिया था, इसके लिए हमने दो कप पानी डाला है और आधे कप और डाला है। अब हम इसमें डाल देंगे दलिया, स्वाद अनुसार नमक, इसे चला देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच घी, इससे दलिया अलग अलग और खिला खिला बनता है। कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और दो सीटी आने देंगे। दो सीटी आने पर ही हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने पर ही खोलेंगे। देखिए, दो सीटी आ गई हैं, हमारा कुकर ठंडा हो गया है। हम आपको दलिया खोल के भी दिखाते हैं। देखिए कितना अच्छा अलग अलग और खिला खिला बना हुआ है। अब हम फिर से गैस पर रखेंगे कढ़ाई, और उसमें डालेंगे दो चम्मच ऑयल। आप ऑयल की जगह घी भी डाल सकते हैं। अब हम डालेंगे इसमें एक चम्मच जीरे, एक प्याज को हमने लच्छे में काट लिया है, दो हरी मिर्च, इनको हमने बारीक काट लिया है, और हमें प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ हमें सॉफ्ट ही करना है। देखिए, हमारी प्याज सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। अब हम डालेंगे इसमें मटर, शिमला मिर्च, और हमें सब्जियों को भी बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ इन्हें भी सॉफ्ट करना है कि सब्जियों का क्रंच बना रहे। आप इसमें अपनी पसंद की और भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। देखिए, हमारी सब्जियां सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर को भी हमें सॉफ्ट ही करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। देखिए, हमारी सारी सब्जियां पक गई हैं। अब हम इसमें करेंगे मसाले ऐड, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक। सभी मसालों को हम सब्जियों में मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे दलिया। इसे भी मिक्स कर देंगे, और नमक हम अब नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने पहले दलिया में भी नमक डाल दिया था और सब्जियों में भी नमक डाल दिया है, इसलिए अब हम नमक नहीं डालेंगे। फ्रेंड्स, यदि हमारी रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, हमारा दलिया पुलाव बनके तैयार है। ठंडा होने पर और भी अलग अलग और खिला खिला हो जाएगा। देखिए, हमने दलिया पुलाव को सर्व कर लिया है। इसे आप नाश्ते में भी ले सकते हैं और सेहत के लिए हेल्दी भी होता है। यदि हमारी रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।